हेलो एवरीवन, दिस इज शैलेश कुमार एंड वेलकम टू एसकेसी द सिंपलेस्ट एंड फनी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ये वीडियो नंबर 62 है, रियल नंबर क्लास 10th का। क्वेश्चन बोला है प्रूव दैट 3 + 5 अंडर रूट 2 इज अन इरेशनल। प्रूव करने क्वेश्चन में आपको आगे और भी लिख सकता है कि इट इज बीइंग गिवन दैट अंडर रूट टू इज इरेशनल। वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। लेटेस्ट वाला बुक में, आरएस अग्रवाल में दे रखा है, पुराने वाले में नहीं है। पर जो भी है, सॉल्यूशन दोनों का एक ही होगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अभी करें, शेयर लास्ट में कीजिएगा। तो जिस मेथड से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ उसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, देख लीजिएगा। फिर भी मैं फिर से बता दे रहा हूँ कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, लेकिन शॉर्ट में कॉन्ट्रडिक्शन मेथड बोलते हैं उसको, इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। ये इनडायरेक्ट मेथड क्या चीज होता है कि आप किसी चीज को प्रूफ करने के लिए इसको यूज करते हो जहां पे आपको प्रॉपर एविडेंस वगैरह पता नहीं हो। जैसे कि यहाँ पे अंडर रूट टू का वैल्यू 1.414001 हम लोग इतना ही जानते हैं, लेकिन और भी तो चलते जाएगा ना। तो यहाँ पर भी हमको प्रॉपर नहीं पता है अंडर रूट टू का वैल्यू, तो अब 5 उससे गुना होगा, उसका भी वैल्यू हमको पता नहीं होगा, फिर 3 जोड़ेंगे। तो मतलब ये इरेशनल नंबर का कोई प्रॉपर वैल्यू तो होता नहीं है, इसका प्रॉपर वैल्यू हम लोग तो जानते नहीं है। तो जहां प्रॉपर वैल्यू हम जिसका नहीं जानते वहां पर कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करते हैं। जैसे कि अंडर रूट टू को प्रूफ करने के लिए, अंडर रूट थ्री को प्रूफ करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, या जहां पे थोड़ा लैक ऑफ एविडेंस रहता है वहां पे हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लगाते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है कि आप सही चीज को, सही स्टेटमेंट को गलत मान लेते हो। है एक्चुअली में सही, आपके पास दो ऑप्शन है, सही मानो या गलत मानो। आपने गलत माना कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, आप उसको फिर सिंप्लीफाई प्रूफ करके करना चाहोगे, वेरीफाई करोगे, तो वहां फिर एरर आएगा। अब वो एरर आया, पहला गलती तो आप किए थे कि उस सही स्टेटमेंट को गलत माने, अब फिर से दूसरा गलती करने जा रहे हो कि आप एरर आ गया, तो अब तो फंस जाओगे। अपना ही सिंप्लीफिकेशन में एरर आया है क्योंकि आपका, तो आप क्या मानोगे? आपके पास दूसरा रास्ता क्या है? अपना ही चीज तो गलत हो गया, तो आप क्या मानोगे? वो सच में ट्रूथ स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट। उसी टाइप से यहाँ पे ये क्या है, इरेशनल, लेकिन हम लोग इसको मानेंगे कि ये रैशनल है और फिर देखेंगे उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसमें कुछ एरर आएगा, तो फिर एरर आ गया तो हम लोग उसको फिर से मानेंगे कि क्या दूसरा ऑप्शन ये रैशनल है। आइए देखते हैं। तो 3 + 5 अंडर रूट 2 बी आर रैशनल एंड ए अपॉन बी इट सिंपलेस्ट फॉर्म। मान लेते हैं कि ये क्या है, रैशनल है, और इसका ये रैशनल नंबर इसको माने हैं और इसका ए अपॉन बी इसका क्या मान लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म मान लेते हैं। अब सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स, जैसे कि कोई भी रैशनल नंबर होता है उसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म भी होता है, जैसे कि 10/15 है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। ये क्या होगा हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। तो रैशनल नंबर इसको a by b या p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, a by b के फॉर्म में लिखे, वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब इस फॉर्म में। अब क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म, तो देन a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होता है उसका भी वीडियो नीचे मिल जाएगा, लिंक में देख लीजिएगा को प्राइम नंबर्स क्या होता है। अब को प्राइम नंबर क्या चीज होता है, देन ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। जैसे कोई भी नंबर को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो वो ना को प्राइम में आ जाता है। मतलब को प्राइम मीन्स दो ऐसा नंबर जिसका एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे कि 2 और 3 का यहाँ पे आप एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं, तो इसको बोलेंगे 2 और 3 आर को प्राइम नंबर्स या फिर रिलेटिवली प्राइम नंबर। या फिर और भी इसका एग्जांपल 7/5, ये क्या है, को प्राइम नंबर। तो वैसे ही यहाँ पे ए और बी का भी वैल्यू को है जिस जो कि क्या है, को प्राइम नंबर है। तो अब ये रैशनल नंबर है तो इसको हम लोग पी बाय क्यू के फॉर्म में या फिर ए बाय बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम लोगों ने ए बाय बी के फॉर्मेट में लिख डाला। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें फिर से हम लोग रैशनल को एक साइड, इरेशनल को एक तरफ अरेंज करने का कोशिश करेंगे ताकि हम लोग अपना प्रोसेस प्रोसीड कर पाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला तो रैशनल है, ए बाय बी माने ए बाय बी क्या है, यहाँ पे को प्राइम नंबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखो प्लस में था 3 उधर, है ना, यहाँ प्लस छुपा हुआ, अभी इधर प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे नीचे क्या चीज था, 1 हिडन रहता है तो एलसीएम, और इधर क्या बच जाएगा, 5 √2, और इधर एलसीएम लो, बी और 1 का एलसीएम बी हो जाएगा। अब बी को बी से डिवाइड करेंगे तो 1 1 × a हो जाएगा, माइनस था तो माइनस। अब
बी को वन से, बी को वन से डिवाइड करेंगे, बी आएगा बी इंटू थ्री, थ्री बी हो जाएगा, वन को तो लिखते नहीं है। उसके बाद ये हो गया, इसे देखो फाइव क्या है इंटू में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा डिवाइड में। अब इधर बचा सिर्फ अंडर रूट टू और इधर बचा ए माइनस थ्री बी अपॉन फाइव बी। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग जानते हैं इरेशनल है, और ये ए और बी यहाँ पे को प्राइम नंबर था, तो को प्राइम नंबर या फिर ए और बी क्या मतलब वो क्या रैशनल नंबर हो सकता है। देखो ए और बी क्या चीज, यहाँ पे नॉन जीरो इंटीजर्स है, नॉन जीरो इंटीजर्स मीन, इंटीजर्स मीन्स क्या चीज होता है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर एंड सो ऑन, जीरो भी आएगा फिर नेगेटिव वाला माइनस वन माइनस टू माइनस फोर माइनस थ्री माइनस फोर एंड सो ऑन, तो इसको बोलते हैं इंटीजर्स। लेकिन यहाँ पे नॉन जीरो इंटीजर्स का मतलब क्या है, जीरो को छोड़ के बाकी सारे इंटीजर्स, जैसे कि प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड सो ऑन, लेकिन जीरो नहीं लेंगे। तो यहाँ जीरो क्योंकि ले लेंगे तो नीचे तो जीरो हो जाएगा, तो फिर ये आपका रैशनल नहीं कर पाएंगे हम लोग प्रूफ। यहाँ पे जैसे बी जीरो हो जाएगा तो ये तो फिर हम लोग का काम करेगा नहीं, इसलिए नॉन जीरो इंटीजर्स लेंगे। बहुत सारे बुक में नहीं भी लिखा है नॉन जीरो इंटीजर्स, लेकिन वहाँ बी इज नॉट इज इक्वल टू जीरो मेंशन किया है, तो वो भी आप चलेगा। अगर ये नहीं लिखते हो नॉन जीरो इंटीजर्स, सिर्फ इंटीजर लिखोगे तब भी काम चलेगा, लिख दो बहुत अच्छा। इसके बाद अब ए और बी कोई भी इंटीजर्स है लेकिन नॉन जीरो इंटीजर्स, तो आप वैल्यू पुट करके देखो। तो यहाँ पे ए और बी मान लो, जैसे ए के जगह वन ले लेते हैं, बी के जगह पे टू ले लेते हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा फाइव इंटू टू, ऊपर सॉल्व करेंगे तो सिक्स, नीचे टेन, इसको फर्दर सॉल्व करो तो फाइव अपॉन टेन, इसको भी काटेंगे तो वन अपॉन टू, तो ये क्या है हमारा रैशनल। तो यहाँ उसी तरह सिर्फ जीरो नहीं लेना है बी के जगह या फिर ए के जगह, तो यहाँ पे आप कोई सा भी वैल्यू ए और बी का पुट करो, आपको एक रैशनल नंबर ही आएगा, मतलब ये क्या है आपका रैशनल। तो अगर यदि ये रैशनल है हमारा आर एच एस जो है वो रैशनल है, तो कैसे है, सिंस ए एंड बी आर नॉन जीरो इंटीजर्स, ए एंड बी क्या है हमारा नॉन जीरो इंटीजर्स, तो देयर फोर ए माइनस थ्री बी अपॉन फाइव बी इज अ रैशनल। अभी हम लोगों ने वैल्यू पुट करके दिया, ए और बी के जगह कोई सा भी वैल्यू पुट कर लो तो आप सॉल्व करोगे फाइनली तो ये एक रैशनल ही आएगा, जैसे कि मैंने अभी मिटा दिया ग्रीन से लिखे थे, तो ये क्या हो गया हमारा रैशनल। बट वी नो दैट अंडर रूट टू इज इरेशनल, लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट टू तो इरेशनल है। अब ध्यान से देखो, आर एच एस हो जा रहा है रैशनल और एल एच एस हो जा रहा है इरेशनल, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि रैशनल इरेशनल के बराबर हो जाए या फिर इरेशनल रैशनल के बराबर हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कभी चोर पुलिस के बराबर हो जाए, ठीक ना, मूवी तो है ना यहाँ पे गुंडे साथ मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर भी वैसे ही है कि रैशनल इरेशनल के साथ नहीं हो सकता है, मतलब यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है, लड़ाई रैशनल और इरेशनल के बीच में, बोल रहा है तुम रैशनल हो जाओ, बोल रहा है मेरा, तो ऐसा तो होगा ना कि कुछ चेंज होगा, तो ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन ऐसा लड़ाई ऐसा ओपोजिशन क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने गलत माना था कि थ्री प्लस फाइव अंडर रूट टू क्या है रैशनल, एक्चुअली में तो ये इरेशनल है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग सपोजिशन, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन ये लड़ाई क्यों हुआ कि इरेशनल इज नॉट इज इक्वल टू रैशनल, ये लड़ाई इसलिए उत्पन्न हुआ, एग्जिस्टेंस में आया, एग्जिस्ट हुआ क्यों, क्योंकि हम लोगों ने गलत माना था, क्या गलत माना था कि ये एक रैशनल है। तो आप यहाँ पे पूरा लिख सकते हो, हम लोगों ने नहीं लिखा है वीडियो को, वीडियो नहीं, थोड़ा शॉर्ट रहने के लिए सॉल्यूशन आप पूरा लिख सकते हो, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग सपोजिशन दैट थ्री प्लस फाइव अंडर रूट टू इज रैशनल, नहीं भी लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे, हेंस थ्री प्लस फाइव अंडर रूट टू इज इरेशनल। और समझ में आता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अभी कर लें और शेयर भी कर सकते हैं आप।